हाय दोस्तों, आपको अगर कहा जाए कि एक अनजान आदमी है जिसको ना कभी आप मिले हो और ना कुछ मालूम है उसके बारे में, तो उस इंसान का कैरेक्टर, पर्सनालिटी और उसका बिहेवियर आप कैसे बता सकते हो? तो शायद आप कहेंगे उसकी जन्म कुंडली या हाथ की लकीर देखकर ये सब बात बताई जा सकती है, जो भारत में बहुत आम है। और हर शादी से पहले लड़का लड़की की जन्म कुंडली मिलाकर ही शादी करवाया जाता है, जिससे दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे के लिए सुइटेबल हो, ताकि रिलेशन पर फ्यूचर में कोई दरार ना आए। पर क्या आपको मालूम है, अगर आप जापान या साउथ कोरिया जाएंगे तो वहाँ शादी से पहले हॉरोस्कोप ना देखकर कपल्स का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है? क्योंकि जापान में यह बिलीव कई दशकों से बहुत प्रचलित है कि एक इंसान का कैरेक्टर, स्वभाव, आदतें, यहाँ तक फ्यूचर कैसा होगा, सब कुछ आप उसका ब्लड ग्रुप देखकर बता सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप से कैसे इंसान की पर्सनैलिटी बताई जा सकती है और ये कितना साइंटिफिक है, क्यों जापान में ब्लड ग्रुप के हिसाब से कॉन्डोम बनाया जाता है, क्यों एक मिनिस्टर को अपने ब्लड ग्रुप के कारण रेजिग्नेशन देना पड़ा, और क्यों स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप वाले लोगों के साथ जॉब इंटरव्यू या सोशल लाइफ में रेसिज्म किया जाता है। ये सब मजेदार चीजें जानने के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। जापान में शादी से पहले तो ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली चेक किया जाता है, पर आपको मालूम है दोस्ती करने से पहले भी ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। इसलिए जापान में फेसबुक और डेटिंग साइट पर प्रोफाइल में ब्लड ग्रुप ऑप्शन रहता है, जिससे आपका पार्टनर रिलेशन बनाने से पहले आपका नेचर जान सके। और ये तो कुछ भी नहीं, स्कूल में बच्चों को ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और उसी हिसाब से अलग अलग टेक्निक से उनको पढ़ाया जाता है। सेम चीज़ स्पोर्ट्स में भी किया जाता है, जिसमें ब्लड ग्रुप के हिसाब से एथलीट्स को डिवाइड करके हर ब्लड ग्रुप वालों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट किया जाता है। बीजिंग ओलंपिक में एक महिला ने जापान को सॉफ्टबॉल में गोल्ड मेडल दिलवाया था और उस महिला को उसके ब्लड टाइप के हिसाब से एक कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रेन किया गया था। और ये तो कुछ भी नहीं, जापान में बनने वाली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, चॉकलेट हो, बेबी प्रोडक्ट्स हो या कोई च्यूइंग गम हो, वो ब्लड ग्रुप के हिसाब से ही अलग अलग टाइप की बनाई जाती है चारों ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए। इलेक्शन में लीडर्स को अपना ब्लड ग्रुप लोगों को बताना पड़ता है, ताकि लोगों को पता चल सके किस कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है और वो उसी हिसाब से वोट डाले। तो चलिए अब जापान के इस साइंटिफिक थ्योरी के बारे में जान ही लेते हैं, जिससे यहाँ के लोग ब्लड ग्रुप जानकर इंसान की नेचर और कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जापान में 99% लोगों को अपना ब्लड ग्रुप मालूम है। ह्यूमन ब्लड में दो टाइप की एंटीजन होती है, ए और बी, जिससे चार टाइप की ब्लड ग्रुप बनती है, ए बी, ए बी और ओ टाइप। जापान में सबसे ज़्यादा लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, तकरीबन 40% लोगों का। और जापान में इन ब्लड ग्रुप वाले लोगों को किचो मैन या वेल ऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है। इसीलिए जापान के लोग हर चीज़ में इतनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करना हो या कोई फंक्शन में जाना हो, एक मिनट कभी लेट नहीं होगा इनसे। लोग इतने डिसिप्लिन माइंडेड होते हैं, इसीलिए ट्रेन कभी भी एक मिनट से भी लेट नहीं होगी। जापान में एवरेज ट्रेन डिले टाइम है 0.7 मिनट्स, और हमारे इंडिया में ट्रेन कितना लेट होती है वो तो आपको मालूम ही है। ये लोग हर काम बहुत ही सोच समझ कर, प्रिसाइसली और परफेक्शन के साथ करते हैं, ताकि और बेहतर रिजल्ट मिल सके, जैसे हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब, और इनका ब्लड ग्रुप भी ए है। साथ ही ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहना इनको पसंद है, और इसके साथ ये लोग बहुत ही स्मार्ट, पैशनेट, पोलाइट, जेंटल और काइंड हार्टेड होते हैं। सबसे बड़ी खासियत इनकी लॉयल्टी है, ये लोग कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, इसलिए इनको आप अपना सच्चा दोस्त बना सकते हैं। पर दूसरी तरफ ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ये लोग बुरा मान सकते हैं, और इनके ब्लड में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने के कारण जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। अब आते हैं बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर। ये लोग ए ग्रुप वालों से बिल्कुल उल्टा होते हैं, जहाँ ए ग्रुप वाले हर काम सोच समझ कर नीट एंड क्लीन करते हैं, वही बी ग्रुप वाले बिना ज़्यादा सोचे जल्दी फैसला लेते हैं और काफ़ी रेकलेस वे में काम करते हैं। ए ग्रुप वाले जहाँ शर्मीले होते हैं, वही बी ग्रुप वाले जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और अपना दोस्त बना लेते हैं। प्रॉब्लम आने पर जहाँ ए ग्रुप वाले स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वही बी ग्रुप वाले उतना ही चिल और रिलैक्स रहते हैं। इतनी क्रेजी, क्रिएटिव और क्यूरियस माइंडेड होने के कारण ये लोग बहुत ही शानदार आइडिया सोच पाते हैं, जो शायद ही दूसरे ग्रुप वाले सोच पाए, और अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ इनको इरेस्पॉन्सिबल और सेल्फिश माना जाता है। ऋतिक रोशन, लियोनार्डो डी कैप्रियो का ब्लड ग्रुप भी बी है।
तीसरा टाइप है एबी ग्रुप, जिनको जापान में कावरी मोनो कहा जाता है, जिसका मतलब है स्ट्रेंज, क्योंकि इन लोगों में ए बी दोनों एंटीजन मौजूद होने के कारण ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों किस्म का कैरेक्टर इनमें पाया जाता है। इस ड्यूअल नेचर के कारण इन लोगों को अगर आप करीब से नहीं जानते तो इनकी असली कैरेक्टर आप बता नहीं सकते। इन लोगों में लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल स्किल कमाल की होती है। अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में एक भी फ्रेंड ए बी ग्रुप का हो तो कभी भी आपको बोरिंग फीलिंग नहीं आएगी। हालांकि ये लोग एक्सट्रोवर्ट दिखाई देने के कारण जल्दी दोस्त बना लेते हैं, पर अपनी मन की बात वो बहुत कम लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इरेस्पॉन्सिबल माना जाता है। बराक ओबामा, जैकी चैन इसी ब्लड ग्रुप के हैं। आखिरी ग्रुप है ओ ग्रुप, जिसे जापान में राकांसुकी या ऑप्टिमिस्टिक या वॉरियर ब्लड कहा जाता है। इनमें लीडरशिप की क्षमता गजब की होती है। जापान में आज तक की ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर इसी ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनके ब्लड में ए और बी कोई भी एंटीजन नहीं होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आसानी से हैंडल कर लेते हैं बाकी किसी भी ग्रुप के लोगों के मुकाबले। इनमें अपने काम के प्रति कमाल की जुनून दिखाई देती है, जिसके कारण ये लोग कभी कभी वर्कहोलिक भी हो जाते हैं। ये लोग बिना किसी की परवाह किए जो इन्हें सही लगे वो बोल देते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें सेल्फिश भी कहा जाता है। हार्डवर्किंग, कॉन्फिडेंट, जेलस, एरोगेंट होने के साथ साथ ये लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। इनको अगर आप सच्चा प्यार करेंगे तो वे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये लोग झूठ धोखा बिल्कुल पसंद नहीं करते। मार्क जुकरबर्ग और क्वीन एलिजाबेथ II दो ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप भी ओ है। पर सबसे मजेदार बात तो यह है कि कंपनीज कॉन्डोम भी कस्टमर के ब्लड ग्रुप के हिसाब से बनाती है। पर आखिर क्यों? जापान के लोगों का मानना है कि आदमी को उसके नेचर के हिसाब से कॉन्डोम यूज करना चाहिए फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जैसे ए ब्लड ग्रुप के लोग कम सेंसिटिव और एक्साइटेड होने के कारण ए ग्रुप वाले लोगों का कॉन्डोम ज़्यादा पतला बनाया जाता है, और बी ब्लड वाले कॉन्डोम्स में रिबिंग बनाया जाता है, क्योंकि ये लोग इंटरकोर्स के टाइम अपने पार्टनर के एन्जॉयमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बाकी दोनों कॉन्डोम में बहुत सारी कस्टमाइजेशन किया जाता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से, और इन चारों ब्लड ग्रुप के कॉन्डोम पैकेट्स के ऊपर उनकी कैरेक्टर के अनुसार अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि उन्हें कौन से ब्लड ग्रुप वाले पार्टनर्स के साथ सेक्स करना चाहिए और कैसे फॉर मैक्सिमम एंजॉयमेंट। है ना मजेदार बात? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये बस एक साइंटिफिक बिलीव है, जिसे स्यूडो साइंटिफिक बिलीव कहा जाता है, और सफिशियंट साइंटिफिक प्रूफ ना होने के कारण कई साइंटिस्ट इसे प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं। इसलिए काफ़ी मामलों में यह बिलीव सच हो सकता है, पर पूरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं। पर जापान में बहुत सारे टीवी शोज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, गेम्स और कॉमिक बुक्स में भी इस ब्लड थ्योरी को हर दिन इतना ज़्यादा प्रचार किया गया है कि वहाँ के लोग इसे अपने ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मान चुके हैं। और यकीन करिए, जापान में महिलाएं हर दिन अपने पड़ोसी के बारे में गॉसिप करते टाइम ऐसा कहती है कि शायद इस आदमी का ब्लड ग्रुप ये है, इसलिए इसने ऐसा किया या ऐसा बिहेव किया, और इसके कारण समाज में एक बैड इफेक्ट देखा जाता है, जिसे ब्लड हेरासमेंट या बुरा हरा कहा जाता है। बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यहाँ सेल्फिश माना जाता है, जिसके लिए इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कंपनीज जॉब इंटरव्यू के टाइम में भी ब्लड ग्रुप पूछती है, जो बहुत ही बुरी बात है। पॉलिटिक्स में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हर पॉलिटिशियंस को अपना ब्लड ग्रुप ऑफिशियल प्रोफाइल में शेयर करना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चल सके किस पॉलिटिशियन का कैरेक्टर कैसा है। कुछ साल पहले रियू मात्सुमोटो नाम के एक मिनिस्टर को कुर्सी मिलने की एक हफ्ते बाद ही अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक लोकल ऑफिशियल के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया ऑन कैमरा। बाद में पछताकर अपने रेजिग्नेशन स्पीच में कहा कि इन्होंने जो किया इसका जिम्मेदार इनका ब्लड ग्रुप था, जो था बी। पर बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ऐसे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें पाया जाता है जो बाकी लोगों में नहीं होती, पर ये लोग अपने ट्रेडिशन के कारण इन पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्साइटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। और अगर आपको ऐसे ही मजेदार साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।